हाय गाइस, सो दिस इज़ फॉर BLL स्टूडेंट्स जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है. सो ये LA का क्वेश्चन पेपर का आंसर है. सो क्वेश्चन पेपर में जो दो क्वेश्चंस लैंग्वेज से रिलेटेड थे, क्रिटिकल पीरियड और पीरियड ऑफ लिटरलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो इसके दो क्वेश्चंस हैं. एक है, अकॉर्डिंग टू लैंडबर्ग, लैंग्वेज हैज़ अ बायोलॉजिकल बेसिस. व्हाट एविडेंस कैन यू गिव इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैंडबर्ग क्लेम्स दैट द क्रिटिकल पीरियड कॉन्साइड्स विद द पीरियड ऑफ लिटरलाइजेशन. सो इफ यू आर डूइंग BLED एंड यू हैव एन LA एग्जाम, आपको पता होगा कि क्रिटिकल पीरियड और पीरियड ऑफ लिटरलाइजेशन क्या होता है. सो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसा अज्यूम करना है कि जिसने क्वेश्चन पेपर चेक करना है उनको कुछ भी नहीं पता है, इसलिए आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक समझाना होता है. ठीक है. सो सबसे पहले आप बताओगे क्रिटिकल पीरियड क्या होता है और पीरियड ऑफ लिटरलाइजेशन क्या होता है. ठीक है. सो क्रिटिकल पीरियड इज अ पीरियड ड्यूरिंग समवन्स डेवलपमेंट इन विच अ पर्टिकुलर स्किल और कैरेक्टरिस्टिक इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट रेडिली एक्वायर्ड. ठीक है. क्रिटिकल पीरियड आपका ऐसा पीरियड होता है जहां पे जिस मोमेंट पे या जिस टाइम पीरियड पे आपका कोई पर्टिकुलर स्किल सबसे ज्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल तक ग्रो हो सकता है. ठीक है. जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि वो 9-10 महीने एक साल में चलना शुरू करते हैं और फिर 2 साल तक वो अच्छा खासा चलना सीख जाते हैं. आपका बचपन में आपका रट्टा मारने का कैपेसिटी अच्छा होता है, बड़े होकर आपका समझने का कैपेसिटी अच्छा होता है. बचपन में आप कॉन्क्रीट चीज़ों पर गौर करते हो तो उधर आपका दिमाग ज़्यादा जाता है. बड़े होकर आपका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ ज़्यादा जाता है. ठीक है. सो आपका डेवलपमेंट एक फेज में होता है, पूरा एक प्रॉपर तरीके से होता है और हर एक टाइम पीरियड पे हर एक आपका बॉडी पार्ट या आपकी जो भी आपका स्किल है वो उसका एक क्रिटिकल पीरियड होता है जहाँ पे जिस टाइम पीरियड पे वो मैक्सिमम अटेनमेंट कर सकता है. ठीक है. पीरियड ऑफ लिटरलाइजेशन, एज अ चाइल्ड मैच्योर्स द लैंग्वेज फंक्शन ऑफ हिज और हर ब्रेन बिकम्स लिटरलाइज्ड. दिस मीन्स दैट द स्पीच एंड लैंग्वेज सेंटर्स बिकम लोकलाइज्ड इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन. ठीक है. सो लिटरलाइजेशन का मतलब है कि जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन है जो स्पीच और लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बच्चे का लिटरलाइज होना शुरू हो जाता है. ठीक है. वो लोकलाइज हो जाता है लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में. ठीक है. सो अब क्वेश्चन पे आते हैं. Lenberg claims that the supposed critical period coincides with the period of लिटरलाइजेशन, the specialization of language to one side of the brain. ठीक है. सो Lenberg ये कह रहा है कि जो हमारा क्रिटिकल पीरियड होता है जब हम मैक्सिमम लैंग्वेज की अटेनमेंट कर सकते हैं वो तभी होता है क्या जब हमारा जो लैंग्वेज होता जो लैंग्वेज स्पेशलाइजेशन है वो एक साइड ऑफ ब्रेन में आ जाता है. तो आप बताओगे, दिस प्रोसेस इन हिज व्यू अकर्स बिटवीन द एज ऑफ 2 to 14. लैंडबर्ग इज प्रोबेबली रॉन्ग अबाउट दिस. ठीक है. सो आपके ऊपर है, आप सही बताओ गलत बताओ, बट आंसर इसका गलत है. तो हम आप बताएंगे गलत क्यों है. लिटरलाइजेशन अपेयर्स टू टेक प्लेस मच अर्लियर देन सजेस्टेड. इवन बेबीज अंडर अ ईयर ओल्ड शो सम एविडेंस ऑफ इट. ठीक है. सो यहाँ पे जो बात करी गई है, यहाँ पे 2 to 14 ईयर्स की बात करी गई है, बट लिटरलाइजेशन होती है वो काफी पहले हो जाती है, होनी शुरू. ठीक है. इन वन एक्सपेरिमेंट 5 and 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट्स वर प्रेजेंटेड विद साउंड्स एंड लिप मूवमेंट्स विच वर समटाइम्स सिंक्रोनाइज समटाइम्स नॉट. दे सीम टू नोटिस द साउंड ओनली वैन द डिस्ट्रेक्शन ऑफ देयर गेज शोड दैट दे वर अपेरेंटली अंडर वे द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ. एज सून एज 2.5 or 3 यंग चिल्ड्रन कैन बी टेस्टेड विद डायकोटिक लिसनिंग अराउंड एज 2.5 to 3. दे सीम टू बी यूजिंग देयर लेफ्ट हेमिस्फेयर फॉर लैंग्वेज. सो लिटरलाइजेशन मे इवन बी कम्प्लीट एट दिस एज एंड मोस्ट पीपल अज्यूम दैट इट हैज अकर्ड बाय द एज ऑफ 5. ठीक है. सो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने पता करने की कोशिश करी कि किस एज तक लिटरलाइजेशन आता है, जबकि ये कह रहे थे कि बाद में आता है, बट नहीं, जो 5-6 महीने का बच्चा है वो धीरे धीरे जब बड़ा होता जाता है तो उसमें भी आप लिटरलाइजेशन के जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स कह रही हूँ, जो साइंस होंगे वो देख सकते हो. ठीक है. सो यहाँ पे अब आप आंसर ऐसे देख सकते हो. ये आपने सेकंड का आंसर दिया है जो ये क्लेम करता है. वन का आप दे सकते हो. अकॉर्डिंग टू लैंडबर्ग, क्वेश्चन वन पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू लैंडबर्ग, लैंग्वेज हैज अ बायोलॉजिकल बेसिस. व्हाट एविडेंस कैन यू गिव इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट. आपको इसको सपोर्ट करना है. सो सपोर्ट करना है तो इसका मतलब समझ जाओ कि बात सही कह रहा है वो. लैंडबर्ग कह रहा है कि लैंग्वेज हैज अ बायोलॉजिकल बेसिस. तो लैंडबर्ग स्टेट्स दैट लैंग्वेज हैज अ बायोलॉजिकल बेसिस. ही सपोर्ट्स हिज व्यू पॉइंट बाय स्टेटिंग 4 पॉसिबल एविडेंस एंड हैज फर्दर सब डिवाइडेड दीज एविडेंसेज इंटू 6 सेपरेट एज फॉलोज. ठीक है. सो सबसे पहले
उसका पॉइंट है लैंग्वेज इमर्जेस बिफोर इट इज नेसेसरी. सो इन एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज द स्मॉल चिल्ड्रन द यंग चिल्ड्रंस टॉडलर्स एक्वायर इट मच बिफोर दे नीडेड टू फुलफिल द डिमांड्स. लैंग्वेज डेवलप्स लॉन्ग बिफोर चिल्ड्रन नीड टू कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू सर्वाइव. Their parents still feed them, clothe them, and look after them. Without some type of inborn mechanism, language might develop only when parents left children to find for themselves. ठीक है. So पहला point इसका ये कि जो language है it emerges before it is necessary. हाँ जी, क्यों? क्योंकि बच्चों जब एक छोटे छोटे होते हैं तब उनको language की जरूरत भी नहीं होती, उनके parents वगैरह उनका हर चीज कर रहे होते हैं, but still वो धीरे धीरे language अपने आप ही acquire करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो अपने environment में उनको stimulus मिलता है जहाँ पे बाकी लोग बोल रहे होते हैं तो वो भी बोलने की कोशिश करते हैं. ठीक है. और ये कॉन्शियस नहीं होता, ये अनकॉन्शियस लर्निंग होती है. इट्स अपेरेंस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ कॉन्शियस डिसीजन. जो मैंने भी बोला कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, वो अनकॉन्शियस डिसीजन होता है. चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी कॉन्शियस डिसीजन अबाउट इट. दिस इज क्वाइट अनलाइक अ डिसीजन टू लर्न टू जम्प अ 4 foot हाइट और हिट अ टेनिस बॉल. वेन अ चाइल्ड सेट्स हरसेल्फ अ टारगेट देन ऑर्गेनाइजेस ग्रेट एफर्ट्स इन प्रैक्टिस सेशंस एज शी स्ट्राइव्स टूवर्ड्स हर गोल. ठीक है. सो ये यही बात कह रहा है कि जो बच्चा है वो कॉन्शियसली नहीं डिसाइड करता है कि उसको सीखना है, वो अनकॉन्शियसली होता है. क्योंकि अगर वो कॉन्शियस डिसीजन होगा तो वो उसकी डेली प्रैक्टिस करेगा और उसमें एफर्ट डालेगा इन ऑर्डर टू स्ट्राइव टू वर्ड्स और गोल. ठीक है. बट ऐसा नहीं होता है, दे अनकॉन्शियसली स्टार्ट टू लर्न एंड दे स्टार्ट टू मिमिक यू. ठीक है. इट्स इमरजेंस इज नॉट ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल इवेंट्स. चिल्ड्रन बिगन टू टॉक इवन वेन देयर सराउंडिंग्स रिमेन अनचेंज्ड. मोस्ट ऑफ देम लिव इन द सेम हाउस, ईट द सेम फूड, हैव द सेम पेरेंट्स एंड फॉलो द सेम रूटीन. नो इवेंट और फीचर इन देयर सराउंडिंग सडनली स्टार्ट्स देम ऑफ टॉकिंग. It is clear that they have to wait for some biological trigger. The trigger appears to be connected with brain growth. ठीक है. ये पॉइंट काफी चीज एक्सप्लेन कर देता है कि वो ये कह रहा है कि ऐसा कैसे हो जाता है कि बच्चा अचानक से बोलना शुरू कर देता है. देर हैज टू बी समथिंग. सो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑफकोर्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि एकदम से बच्चा अगर मिडिल क्लास था तो अगले दिन वो रिच अपर क्लास हो गया, रिच ब्रैट हो गया. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बस जो बच्चे का सराउंडिंग है वो सेम रहता है, लेकिन जब तक बच्चे का एक अंदर उसका बायोलॉजिकल ट्रिगर जो ब्रेन ग्रोथ है वो पूरा नहीं होता तब तक बच्चे को प्रॉब्लम होगी. बट वंस द चाइल्ड हैज अटेंड अ ब्रेन ग्रोथ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम टू स्पीक, वो बोलना शुरू कर देता है. ठीक है. डायरेक्ट टीचिंग एंड इंटेंसिव प्रैक्टिस हैव रिलेटिवली लिटल इफेक्ट. व्हेन पीपल हु आर नॉट नेचुरली सुपर्ब एथलेटिक्स कैन समटाइम्स विन एनी स्पोर्ट थ्रू शियर हार्डवर्क एंड गुड कोचिंग, बट द सेम इज नॉट ट्रू फॉर लैंग्वेज where direct teaching seems to be a failure. For example, many parents often without realizing it try to persuade their children to initiate them to talk. They do this in two ways. Firstly, by means of overt corrections. Secondly, by means of unconscious expansions. Repeated corrections are not merely pointless. They may even hinder a child's progress. ठीक है. फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हम बच्चे को ज्यादा पढ़ाएं, ज्यादा टीच करें उसको बोलने के लिए, इंटेंस प्रैक्टिस बोलते रहें उसके सामने, चपड़ चपड़ करते रहें, तो क्या बच्चा ज्यादा बोलेगा? तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. मतलब 100% नहीं है, बट यही है कि ऐसा जरूरी नहीं है. आपके सामने अगर 100 बच्चा है तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 बहुत ज्यादा बोलेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों का जो उनका ओरिजिनल नेचुरल लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है उसको जो आप बताने पे लगे हुए हो उसकी वजह से वो हिंडर हो जाए. और कुछ बच्चों के साथ में ऐसा भी होता है कि बच्चा अगर कोई इंट्रोवर्ट है वो धीरे बोलता है, कुछ बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं. सो काफी चीजें होती है जो मैटर करती हैं. ठीक है. प्लस बच्चा अपने पेस से सीखेगा और हर बच्चे का पेस अलग होता है. प्लस जैसे लिखा हुआ है कि अगर आप उसको एक्स्ट्रा करेक्ट करोगे तो वो बच्चे का जो अनकॉन्शियस एक्सपेंशन है उससे वो हिंडर होगा. ठीक है. फिर फिफ्थ पॉइंट है, देयर इज अ रेगुलर सीक्वेंस ऑफ माइलस्टोन्स एज द बिहेवियर डेवलप्स एंड देयर कैन बी यूजुअली correlated with age and other aspects of development. ठीक है. सो जो लैंग्वेज की स्टेज है वो एक रिलेटेड होती है, ग्रोथ पैटर्न फिक्स्ड पैटर्न होता है. और ऑल चिल्ड्रन सीम टू पास थ्रू अ सीरीज ऑफ मोर और लेस फिक्स्ड स्टेजेस एज दे एक्वायर लैंग्वेज. वी डिवाइडेड लैंग्वेज डेवलपमेंट इनटू टू नंबर्स ऑफ अप्रोक्सीमेट फेज. ठीक है. सो ये आपकी लैंग्वेज स्टेज है, ये आपकी बिगिनिंग स्टेज है. सो एट बर्थ यू स्टार्ट क्राइंग, एट 6 week कूइंग होती है, 6 months में बैबलिंग होती है. बैबलिंग इज बै 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 मामा. 8 months में आपका इंटोनेशन पैटर्न आते हैं आपके. फर्स्ट ईयर में आप 1 word अटेंस करते हो, 18 months में 2 word अटेंस. 2 साल में वर्ड इन्फ्लेक्शंस ऑलमोस्ट 2 और
वन फोर्थ ऑफ अ ईयर में आप क्वेश्चंस और नेगेटिव्स रेज करना शुरू कर देते हो कि किसका कौन, जो हु वाला आपका फैमिली है वो शुरू कर देते हो, डब्ल्यू वाली फैमिली। 5 साल में आप रेयर और कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शंस फॉर्म करते हो और 10 साल में आप एक मैच्योर स्पीच बोलना शुरू कर देते हो, ठीक है। सो एक रेगुलर सीक्वेंस है आपका, ऐसा नहीं है कि कोई 2 साल का बच्चा मैच्योर स्पीच बोल रहा है, कभी इंटोनेशन यूज कर रहा है, बीच में बैबलिंग पे आ गया, नहीं, क्राइंग से स्टार्ट होकर मैच्योर स्पीच पे खत्म होंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है। द लैंग्वेज माइलस्टोन्स वी हैव आउटलाइंड टेन टू रन पैरेलल विद फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे आपका जो लैंग्वेज माइलस्टोन है वो भी डेवलप होता जाएगा। क्लियरली देयर इज नो एसेंशियल कोरिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड मोटर डेवलपमेंट सिंस देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स ऑफ चिल्ड्रन हु लर्न टू टॉक बट नेवर वॉक एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मोटर डेवलपमेंट नहीं हो रही हो तो बच्चा बोल नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा भी होता है कि अगर कोई बच्चा वॉक करना नहीं सीख पा रहा है बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल भी नहीं पा रहा है, ठीक है। हाउएवर रिसर्चर्स आर एग्रीड दैट इन नॉर्मल चिल्ड्रन द टू ऑफन गो टूगेदर। The gradual change of cooing to babbling occurs around the time an infant begins to sit up. Children utter single words just before they start to walk. Grammar becomes complex as hand and fingers coordination develops. ठीक है, so वो ये कह रहे हैं कि however जो normal बच्चा होता है अगर उसमें आप कुछ कुछ चीजें देखो, जैसे कि वो बैठने से पहले ही single word बोलना शुरू करते हैं, चलते वक्त वो सिंगल वर्ड्स वाला बोलना शुरू कर देते हैं, ग्रामर उनकी तब होती है जब वो हैंड्स और फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हैं, ठीक है। सो इसको वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स होता जाता है वैसे वैसे आप लैंग्वेज भी कॉम्प्लेक्स तरीके से समझना शुरू कर देते हो, ठीक है। बट ऑफ कोर्स ब्रेन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स होगा तो आपका जो स्किल्स और मोटर स्किल्स है वो भी कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। सो उसको ध्यान में रख के आप इसको लिख के आ सकते हो। लास्ट पॉइंट इज देयर मे बी अ क्रिटिकल पीरियड फॉर द एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर। 5 cases हैव बीन पुट फॉरवर्ड इन फेवर ऑफ द नोशन ऑफ अ क्रिटिकल पीरियड। फर्स्ट, The speech of human who acquired language late, the development of children with Down syndrome, the fate of youngsters with brain damage, the difficulties involved in learning a second language. Fifth, the supposed synchrony of the critical period with literalization. ठीक है, so ये एक critical period का जो बोल रहे थे वो कि critical period होता है उसी time पे याद कर पाना सही रहता है वरना नहीं होता, so उसको ध्यान में रख के यहाँ पे एक क्रिटिकल पीरियड के नोशन में ये 5 उन्होंने बताई हैं, जो नॉर्मल बच्चा तो कर लेगा, ठीक है, बट जो नहीं कर पाएंगे ऐसे भी होते हैं जो लेट एक्वायर करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको डाउन सिंड्रोम होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका ब्रेन डैमेज हो रखा होगा, कुछ ऐसे होंगे जो सेकेंड लैंग्वेज को याद करने में डिफिकल्टी होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका जो क्रिटिकल पीरियड है वो लिटरलाइजेशन के साथ में सिंक हो रखा होगा, ठीक है। सो इसको समझने के लिए लैनबर्ग ने ऑफर करा क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस CPH, जिसमें उन्होंने 2 आइडियाज दिए थे, दैट द बायोलॉजिकल बेसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट कैन एस्टैब्लिश द क्रिटिकल पीरियड एंड फॉर द लिटरलाइजेशन बिटवीन द एज ऑफ 18 मंथ्स एंड अर्ली प्यूबर्टी, ठीक है। सेकेंड, ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड द चिल्ड्रंस प्रेजेंस इन द लिंग्विस्टिकली सपोर्टिव एनवायरमेंट इज नेसेसरी एज इट लीड्स इन टू द सक्सेसफुल लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। सो लैनबर्ग ने ये बोला कि जो बायोलॉजिकल बेसिस है वो हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन द एज ऑफ 18 मंथ्स एंड अर्ली प्यूबर्टी, और उसके लिए हमको क्या करना होगा, लिंग्विस्टिकली सपोर्टिव एनवायरमेंट रखना होगा विच विल बी नेसेसरी और दिस विल लीड इनटू द सक्सेसफुल लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स लैनबर्ग सीम्स टू बी रॉन्ग इन अज्यूमिंग दैट चिल्ड्रन अंडर 2 विल नॉट बी अफेक्टेड बाय लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज बिकॉज बेबीज हु हैव हैड दिस हाफ ऑफ देयर रिमूव्ड जो उनका ब्रेन था इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ हैव कंसिडरेबल लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। टू समराइज, ऑल द आर्ग्यूमेंट्स फॉर अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल पीरियड आर अनकन्विंसिंग, देर इज नो एविडेंस ऑफ अ सडन ऑनसेट और फाइनल एंड पॉइंट ऑफ द सपोज्ड क्रिटिकल पीरियड, ठीक है। सो इन शॉर्ट हमको ये समझ आया कि क्रिटिकल पीरियड का ऐसा कुछ बात नहीं है कि उसी पर्टिकुलर पीरियड में कोई याद कर पाएगा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा नॉर्मल बच्चे को देखो तो हमें फिर भी समझ आता है, बट अगर जो हमारे को अलग केसेस मिलते हैं किसी के साथ में कुछ बच्चा लेट याद कर रहा है, कुछ बच्चा काफी जल्दी याद कर रहा है, कुछ बच्चे का जो एनवायरमेंट है उसको काफी ज्यादा सपोर्टिव मिल रहा है बट स्टिल क्योंकि वो उसके लैंग्वेज लर्निंग से क्लैश कर रहा है इसीलिए वो उस चीज को नहीं समझ पा रहा है, और या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी डैमेज की वजह से उनका फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ही रिमूव हो गया था जो लैंग्वेज एक ब्रेन का जो हेमिस्फीयर पार्ट है लिटरलाइजेशन के लिए जो काम आता है, तो उनका जो क्रिटिकल पीरियड के लिए
वो वाला टाइम था वहां पे उनको प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। सो लैंडबर्ग कह रहा था कि जो लिटलाइजेशन है उसमें क्रिटिकल पीरियड हेल्प करता है, बट अगर उसका लिटलाइजेशन हुआ ही नहीं तो क्रिटिकल पीरियड उसका चला गया है और उसको फिर प्रॉब्लम होगी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे हमको ये पता लग पाए कि देर इज सडन ऑनसेट और फाइनल एंड पॉइंट ऑफ अ सपोज्ड क्रिटिकल पीरियड, ठीक है। सो हर एक बच्चे का अपना पेस होता है, अलग तरीका होता है। फॉर श्योर कि हम कुछ कुछ चीजें टाइम के साथ में सीखते हैं, जैसे प्रॉपर स्टेजेस हैं, बट लैंग्वेज को लेके ऐसा कुछ नहीं है कि एक विद इन दो महीने में, वो दो महीने से लेके आप 10 महीने तक ही सीख सकते हो, ठीक है। सो इट्स अ प्रोसेस और इसमें काफी चीजें होती है जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं और एनवायरमेंट से वेरी करती हैं, ठीक है।